अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम आज हारूत और मारूत का वाकया बयान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माजूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम उनके बिगड़े काम संभाल ले। रब तआला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है, जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिले तो तुम भी गुनाह करने लगोगे। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएं। हवा कितना ही गुस्सा और शहवत हो, हुक्म रब हुआ कि अच्छा, तो तुम अपनी जमात में से आला दर्जा के परहेज़गार फरिश्ते छांट लो, उनको गुस्सा और शहवत दे। दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनांचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। हक तआला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करोगे और रोज़ाना इसम आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करोगे। ये दोनों एक महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम जहरा था, ये मुल्क फारस की रहने वाली थी, उसने अपने खाविंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही आशिके राज हो गए और उससे बुरे काम की ख्वाहिश करने लगे। उसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नेज़ मेरा शोहर है, बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और मेरे शोहर को कत्ल करो और फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इन्होंने इनकार कर दिया, वो चली गई, मगर उनके दिल में उसकी आशिकी की आग भड़क गई।
आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। सरे आंखों पर ये दोनों उसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को मैं बुत को सजदा करे। या शौहर को आरास्ता किया और इनसे बोली कि या तो आप लोग कत्ल करें या शराब पी ले। उन्होंने मर इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जालिम है, बुत परस्ती करना शिर्क है। और कत्ल हक़ुल आबाद, लाओ शराब पी लें। चुनांचा शराब पी ली। जब शराब पी कर मस्त हो गए तो जहरा ने उनसे बुत को सजदा भी करवाया। अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आजम भी पूछ लिया। जहरा तो इसमें आजम पढ़ कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। अब ताला ने इसके रूह को जहरा सितारा से मुस्तसल किया और इसकी शक्ल जहरा सितारों की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। अक्ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सर जर्द हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआएं मगफिरत करने लगे। कुरान फरमाता है, وَالْمَلَائِكَةِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ। फिर ये दोनों हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफाअत की तलब हुए। आपने इनके हक में दुआएं मगफिरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अजाब कबूल कर ले या आखिरत का। हजरत और इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुंचाया। उन्होंने अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अजाब पानी है और आखिरत का अजाब अब्दल आबाद तक बाकी रहेगा। हमको दुनियावी अजाब मंजूर नहीं। चुनांचा हक तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर
बाबुल के कुएं में औंधा लटका दिए। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्तों ने बारी बारी से हर वक्त उनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से इनकी जुबानें बाहर लटकी हुई है। ये अजाब कयामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। इसी के साथ हमारा ये किस्सा यही पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। इससे मज़ेदार और दिलचस्प वाक़े लाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं खाता अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं खाता।